नाजरीन आदाब, एन एन न्यूज़ की बिहार इंतखाबी सियासी सफर की सीरीज में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ जनाब समीउल्लाह खान, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस से, यानी पप्पू यादव जी की जो पार्टी है उससे क्योटी प्रखंड के उम्मीदवार हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी यहाँ क्योटी विधानसभा में सिमरी हाई स्कूल में पप्पू यादव जी की जनसभा होनी थी, लेकिन किसी कारण पप्पू यादव जी नहीं आ पाए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि पप्पू यादव जी हमारे बीच नहीं पधारे। सर, आपका हमारे चैनल से स्वागत है और शुक्रिया। शुक्रिया। एक्चुअली है क्या कि जब वहाँ से चिट्ठी आई पटना से क्योटी के प्रोग्राम का, क्योटी विधानसभा का, तो जो परमिशन का प्रक्रिया होता है, मैं कलेक्ट्रेट में जाकर के सारा प्रक्रिया पूरी किया। जो प्रशासन का मेरे पास सारा चिट्ठी है, लेटर है, उन्होंने क्या त्रुटि इसमें किया है, जो हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रशासन ने उतरने की अनुमति नहीं दी है और इस तरह का कारण है, जबकि चार बार उन्होंने राउंड लगाया है लेकिन उनको लोकेशन नहीं दिया गया, और क्या कमी है। बाकी मेरे पास पेपर है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 तारीख को पुनः फिर वो क्योंकि विधानसभा में आएंगे और इसी सरजमी पर आएंगे और हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। जितना भी त्रुटि, जितना भी ताकत लगाना है, जितनी भी कोशिशें करनी है रोकने का, वो नहीं रुकने वाली। जनता भी जाग चुकी है क्योंटी की, और क्योंटी की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने आज एकदम ठान लिया है कि किसी भी हाल में होगा पहाड़ी को भगा के छोड़ेंगे। समीम को ही हम अपना कैंडिडेट मानते हैं, समीम को अपना बेटा मानते हैं। क्या ऐसा लगता है कि पप्पू यादव की लोकप्रियता की वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता और समीम की भी लोकप्रियता है क्योटी में। फर्स्ट टाइम क्योटी का बेटा चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है, एक नौजवान लड़का जो क्योंटी के एक एक आवाम के दिलों पे छा गया है, उसी को रोकने के लिए इस तरह से किया गया। तो क्या आप इस लड़ाई को फिर आगे जारी? एकदम जारी रखेंगे लड़ाई, जैसे भी लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे जान चली जाए मुझे परवाह नहीं। सर, मतलब नेक्स्ट डेट क्या दिया है? 4 तारीख का। 4 तारीख का, 4 तारीख को यही होंगे? बिल्कुल, इसी में आप देखेंगे कि कहां पर ले सकते हैं परमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पप्पू समीउल्लाह खान जिंदाबाद, समीउल्लाह खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एपी का बेटा समीउल्लाह खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा की हमारे प्रत्याशी जी ने बताए हैं और यहाँ पर सारे लोगों को मान्य आदरणीय पप्पू यादव जी का जो है वहाँ से स्पीच और उनकी सारी जो है बातें लोगों को सुनाया फोन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हमेशा जो है पॉलिटिक्स में सामने वाले को जो जब देखते हैं कि जनता जिनके साथ खड़े हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कोई ना कोई जो है षड्यंत्र रचा जाता है। तो प्रशासन का यहाँ पर जो एक रोल था बहुत काफिराना ढंग से कि उनको परमिशन यहाँ पर लैंडिंग का करने का नहीं दिया गया। तो क्या मतलब प्रोग्राम शुरू करने से पहले परमिशन नहीं लिए गए थे क्या? सारा चीज़ एक पूरे स्थल मतलब हर चीज़ लिए गए थे, मतलब चाची जी हर चीज़ का जो है परमिशन ले चुके थे। फिर ऐसा क्यों? नहीं समझे, क्योंकि हर चीज़ में मैंने क्या बोला कि यहाँ का जो मोमेंट है केवटी का, यहाँ के जनता ने इस समय जो है समीउल्लाह खान जी के साथ सारे लोग एकत्र हो गए, तो पप्पू जी यादव जी के चाहते हैं कम से कम उनको रोक करके कुछ और कमजोर तो किया जाए, लेकिन यहाँ से एक संदेश साफ देना चाहते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम सच्चाई लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचेगा कि अब की बार कितना भी साजिश कर लें लेकिन उनकी साजिश कामयाब होने वाला नहीं, क्योंकि की जनता ने तय कर लिया है और कैंची परिसर बटन दबा कर भाई समीउल्लाह खान को जिता की रहे। तो सिर्फ प्रशासन की वजह थी या उसके साथ और भी कुछ हुआ है? कुछ भी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उनको परमिशन जब यहाँ से जा ही रहा था वहाँ से क्या उनको लोकेशन नहीं दी यहाँ पर लैंडिंग का था। तो नाजरीन, देखा जैसा कि यहाँ पर संजय जी का कहना है कि उनको जो है प्रशासन की तरफ से लोकेशन नहीं दिया गया उनको लैंड ऑफ करने के लिए, इसी वजह से वो हमारे दरमियान में नहीं रुक पाए, वो आए इधर से और ऊपर से ऊपर गुजर गए। उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ पर जो जनता आई हुई थी उनसे कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम नेक्स्ट टाइम जो है ज़रूर आपके बीच में आएंगे और आपको आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम अजय सनी हुआ, हम दोबारा प्रखंड अध्यक्ष हुए। सर, सवाल ये है कि अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है पप्पू यादव जी को यहाँ नहीं उतरने दिया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये रही हमारी, हमारे पास ऑलरेडी परमिशन है, सब कुछ सर्टिफाइड हो गया, हर कुछ होने के बावजूद ये अंधूनी विपक्ष पार्टियों ने इस तरह का हरकत किया, हमारे सांसद महोदय को आने की अनुमति नहीं दी गई यहाँ। हालांकि हमारे पास पूरा एविडेंस है, हम लोगों ने सर्टिफाइड करवाया था, कॉपी भी हमारे पास है, अब प्रशासन का भी आदेश था, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। जब पता चला संसद महोदय के द्वारा कि हमारे पास इसका भी परमिशन नहीं मिला हमको लैंडिंग करने का, इसलिए उनका आगमन रद्द कर दिया गया। दूसरी बात कि हमारे पार्टी कार्यालय का जब हमारा काम चल रहा था,
प्रशासन द्वारा बार बार हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा था कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, पेपर दिखाइए आप कि आपका परमिशन है कि नहीं। हमने दिखाया तभी भी हमें बार बार परेशान किया गया। 5 बार प्रशासन एक दिन में आई है पार्टी कार्यालय पर, इसलिए पेपर लाइए आप आपका। हमने सब दिखाने के बावजूद ये क्या लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है, बैनर क्यों लगा रहा है आप? हमारे पास एविडेंस था, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमें टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब पप्पू यादव जी और क्षेत्र में जो उनके प्रत्याशी है उसकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसलिए ऐसा हो रहा है? जी जरूर बढ़ी है, और आज भी पप्पू यादव जी के डर से ये लोग इस तरह का हरकत करवाया जा रहा है।